Good morning, friends. My name is Pankaj Budhiraja, and I welcome you to the today's session. दोस्तों हम लोग बात करते रहते हैं फाइनेंस से जुड़ी हुई कई चीजों की जो मुझे लगता है कि सबको जाननी चाहिए जिससे आपका और आपके बच्चों का जो है कुछ भला होगा कुछ फायदा होगा. आप जानेंगे कि डे टू डे फाइनेंशियल टर्म्स क्या हैं और इन चीजों का क्या एक प्रभाव रहता है हमारी जिंदगी में और इसको किस तरीके से डील किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है. तो दोस्तों आज जानते हैं एक संस्था जिसे हम सब लोग डील करते हैं, एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज बैंक. तो बैंक क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान में बैंकिंग डिफाइंड होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये कहता है कि बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो लोगों से डिपॉजिट लेती है और आगे जो है इसका लोन देती है या फिर उसके इन्वेस्टमेंट्स करती है. तो बैंक काम कैसे करता है? तो कोई भी बैंक है वो अपने जो कस्टमर से जब डिपॉजिट लेता है तो थोड़ा सस्ता उसके भाव पे लेता है. जब वो इंटरेस्ट देता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर बैंक का इंटरेस्ट जो है 3.5%, 4%, 5% मैक्सिमम रहेगा जो सेविंग अकाउंट में है. करंट अकाउंट में बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता. ये पैसा जो है बैंक लेता है और इस पैसे से आगे जो है लोन देता है. लोन देता है हायर इंटरेस्ट रेट पे. आप होम लोन्स वगैरह देखेंगे तो 7% के आसपास होंगे. अगर आप पर्सनल लोन है या कार लोन्स है तो वो 12 से 16% तक होंगे. और क्रेडिट कार्ड जो है ये तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं. ये तो 3-3.5% महीने का पड़ता है, यानी साल का 36 से 42%. तो बैंक ने पैसा उठाया कम दाम पे और दिया आगे ज्यादा दाम पे. कम ब्याज पे लिया हुआ पैसा ज्यादा ब्याज पे दिया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक बैंक की इनकम है. इसे हम नेट इंटरेस्ट इनकम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कहते हैं. तो आप बेसिकली समझिए कि बैंकिंग कैसा है और ये जो चीजें हैं, इस तरह के टॉपिक्स हम डे टू डे डिस्कस करते रहेंगे. छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि आपकी जिंदगी में हेल्प करेंगे. जितना आप फाइनेंस को समझेंगे उतना आपको आगे जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. तो आज के लिए थैंक यू. कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ. थैंक यू फ्रेंड्स.